फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर मैं आपके सामने हेयर केयर की सीरीज़ का ही एक वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से आपके हेयर को ब्लैक करना बताऊंगी। सभी को ब्लैक हेयर की ही चाह होती है, सबको ब्लैक हेयर चाहिए, वाइट हेयर किसी को पसंद नहीं है। तो मेरे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर हेयर केयर की जो सीरीज़ है वही चला रही हूँ और आपके बालों को काला कैसे बनाएंगे उसी की टिप एंड ट्रिक्स आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ, वीडियो शेयर करती रहती हूँ, टोनर पैक बहुत सारी चीज़ें मैं बताती रहती हूँ। तो चलिए आज फिर आपको हम बालों को काला कैसे करेंगे वही बताने वाले हैं। तो उसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पर ले लिया है एक लोहे का बर्तन। अगर आपके पास लोहे का बर्तन नहीं है तो ज़रूर ले लीजिए, इसके बिना आपके हेयर जो है वो ब्लैक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम नेचुरल तरीके से अपने हेयर को ब्लैक करने वाले हैं, घर की चीज़ों से DIY करके ब्लैक करेंगे। तो उसके लिए आपको लोहे के बर्तन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। गैस पर मैंने इसके रख दिया है, गैस को ऑन कर रखा है और यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है पानी, आधा ग्लास के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। अब हम इसको बॉईल कर लेते हैं अच्छी तरीके से। इसके बाद देखिए, यहाँ पर मैंने मेथी दाना लिया है। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए बहुत अच्छी होती हैं, बॉडी के लिए भी। तो आपके बालों को काला करने के लिए मेथी दाना सबसे बेस्ट तरीका है। और इसके साथ बिल्कुल दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हेयर के लिए रामबाण नुक्सा बोल सकती हूँ, या फिर इलाज बोल सकती हूँ, या फिर ये वरदान है आपके हेयर के लिए। दोनों चीज़ आपके पास होना ज़रूरी है, इन दोनों के बिना आपके हेयर जो है वो ब्लैक नहीं होंगे। मेथी दाना हमने लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है आंवला, जो इस टाइम मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसी टाइम आपको आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हो, सुखा कर रख सकते हो, इसका पाउडर बना के रख सकते हो, या फिर जिस तरह से हम अभी आपको DIY करके बता रहे हैं उस तरह से यूज़ करके अपने हेयर को अभी इसी टाइम आप ब्लैक बना सकते हो। तो ये आंवला जो है गैस पर जो हमने पानी रखा है उसमें डाल देते हैं और अपना मेथी दाना जो है वो भी इसमें डाल देते हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको इसको पानी को बॉईल कर लेना है। इतना बॉईल करना है कि हमने आधा ग्लास पानी रखा है तो वो आधा कप हो जाना चाहिए, इतनी अच्छी तरीके से आपको इसको बॉईल कर लेना है। तो इसको बॉईल करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ ठंडा करके। देखिए फ्रेंड्स, लगभग 5 मिनट पकाने के बाद, अच्छे से बॉईल करने के बाद, आप खुद जब करोगे आपको खुद पता चल जाएगा। तो ये आंवला की गुठली थी, मैंने इसको भी इसी में डाल दिया है। ये देखो कलर देख लो आप, चेंज हो जाता है ना कलर। तो अब मैं इसे ठंडा करके छान लूँगी और उसके बाद आगे का प्रोसेस आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको ठंडा करके छान लिया था, ये ठंडा हो चुका है। और देखिए, इसके बाद एक अलग कटोरी ली है, विटामिन का कैप्सूल, गुणों का खजाना है, आपके हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेयर की नमी को बनाए रखता है, उसमें साइन लाता है, बालों के झड़ने की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करता है और बालों को काला भी बनाता है। तो यहाँ पर मैंने एक विटामिन का कैप्सूल लिया, उसके बाद एक कॉफ़ी का पाउच लिया है, क्योंकि मुझे सिर्फ फ्रंट में ही अपने वाइट हेयर को कवर करना है। अगर आपको पूरे हेयर वाइट हो चुके हैं तो आप 2 से 3 पैकेट ले सकते हो कॉफ़ी के, लगभग ये आधा चम्मच के करीब ही होगी कॉफ़ी। तो मैंने इसमें जो अभी वाटर रेडी किया है वही वाटर इसमें मिक्स किया है। तो ये बन गया है DIY हेयर पैक, जो आपके बालों को सिर्फ 15 से 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में ब्लैक बना देगा। पहले ही वॉश में या पहले ही यूज़ में आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी रेमेडी को आपको कम से कम हफ्ते में 2 बार ट्राई करना है, इस बात को आपको ज़रूर ध्यान रखिए। इस बचे हुए पानी को फेंकना नहीं है, आप इसको कॉटन के हेल्प से अपने हेयर पर एज अ टोनर लगा सकते हो। तो पहले देख लो, मेरे वाइट हेयर है, दोनों तरफ दिखाती हूँ, फ्रंट एरिया पे ही वाइट हेयर है, इन्हीं को मुझे कवर करना है। तो आज मैं आपको टचअप करना बताऊँगी ब्रश की हेल्प से, जो टूथ ब्रश होता है उसकी हेल्प से आपको टचअप करना बताऊंगी। आप चाहो तो पूरी लेंथ में भी इसको लगा सकते हो, बट मैं फ्रंट एरिया पे ही लगा रही हूँ। तो देखिए, ब्रश एकदम काला हो गया ना, इसी तरह का काला जो आपका वाइट हेयर है उनको काला बना देगा ये पैक, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए, मैं बिल्कुल आपको दिखाते हुए इसको अपने हेयर पर अप्लाई कर रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ, इसी तरह से आपको इसको यूज़ करना है। तो जो पुराने टाइम में हमारे आंटीज़ वगैरह होती थी, वो इसी तरह से घर की चीज़ों से ही अपने हेयर को ब्लैक बनाने की कोशिश करती थी और ब्लैक बन भी जाते थे। उनके तो बिल्कुल 70-80 साल तक हेयर जो है वो ब्लैक होते थे, क्योंकि वो घर की DIY रेमेडीज़ को ही यूज़ करती थी। अच्छी तरीके से रूट टचअप कर लेना है ब्रश की हेल्प से। तो देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको लगाना है, बड़ा चौड़ा ब्रश जो होता है ना उससे अच्छा ये वाला ब्रश काम करेगा। आप एक बार ट्राई करके देखना, यूज़ करोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। और रिजल्ट तो इसके औसम है, आप शुरुआत में आपने देखा होगा, नहीं देखा तो एंड में ज़रूर देखना, इसका रिजल्ट पूरा डिटेल में दिखाऊंगी मैं। फर्स्ट वॉश में ही इसका रिजल्ट दिखना लगा है और आप इसको
2 से 3 महीने ट्राई करोगे ना रेगुलर में, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, किसी भी रेमेडी को यूज़ करने के लिए आपको लगातार यूज़ करना है, तभी उसके रिजल्ट जो है वो परमानेंट रहते हैं। एक बार आपने खाना खाया तो क्या दिन में 2 से 3 बार आप खाना नहीं खाओगे? इसी तरह से रेमेडीज़ को आपको लगातार यूज़ करना है, तभी वो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी। पूरी अच्छी तरीके से मैंने इसको अपने हेयर पर अप्लाई कर लिया है, बिग लाइक कर देना। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत अच्छी तरीके से अभी आपके सामने इसको अप्लाई कर लिया है। जब भी आप इसको यूज़ करोगे अपने हेयर पर, आपको ध्यान ये रखना है कोई डार्क कलर का कपड़ा पहनना, लाइट मत पहनना, कोई पुरानी सी टी शर्ट वगैरह कुछ भी जो आपको वेस्ट लगे वो पहन लेना, नए कपड़े मत पहनना। क्योंकि ब्रश के हेल्प से जब भी हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं अपने हेयर पर तो वो थोड़ी बहुत नीचे गिरती ही है, ठीक है? तो पहले बता रही हूँ क्योंकि आपको ये ना लगे कि इन्होंने ठीक से नहीं बताया। तो देखिए, इसको यूज़ करने के बाद सिर्फ आधा घंटा वेट कीजिए, ऐसा नहीं है 2-4 घंटे वेट करो, पूरा दिन लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आधा घंटा। अगर आपके पास आधा घंटा नहीं है तो 20 मिनट भी काफ़ी है। 20 मिनट के बाद आप अपने हेयर को वॉश कर देना। पिछले वीडियो पे जब मैंने कॉफ़ी वाला वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लीज़ ज़रूर एक बार उसको देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट थे उसके। उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपने हेयर वॉश कब किया, कैसे किया, शैम्पू किया या नहीं, तो बहुत सारे कमेंट आए थे। तो मैं इसी वीडियो में बता देती हूँ, उन सारे जो कमेंट थे उनका जवाब मैंने दिया ही था। इस वीडियो में क्लियर कर देती हूँ कि जब भी आपने कोई भी पैक लगाया है अपने बालों को कलर करने के लिए, ठीक है, कलर करने के लिए, ऐसा कोई पैक लगाया उसकी बात अलग होती है, लेकिन जब आपने अपने हेयर को ब्लैक करने के लिए कोई पैक लगाया है जिससे आपके हेयर पर उसका कलर आ जाए, तो आपको क्या करना है, एक दिन के बाद शैम्पू करना है। जिस दिन आपने पैक लगाया उस दिन अपने हेयर को वॉश कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन पानी से, शैम्पू नहीं लगाना, साबुन नहीं लगाना। नेक्स्ट डे आप उसमें वॉश कीजिए शैम्पू से, ठीक है? तो बहुत जल्दी आपको इसका फीडबैक भी शेयर करूंगी, और आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। और हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।